ये बीमारी एशियाई और अफ्रीका देशों में ज्यादातर पाई जाती है। भारत में असम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि राज्यों में इस रोग के रोगियों की संख्या ज्यादा मिलती है। ज्यादातर गरीब व कम आय के लोग इस रोग की गिरफ्त में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पौष्टिक आहार से दूर रहते हैं, लिहाजा उनके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। रतौंधी के लक्षण क्या है? इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त वह नज़दीक की चीज़ें भी ठीक से नहीं देख पाता है। रोगी की आंखों की जांच के दौरान पता चलता है कि आंखों का कॉर्निया यानी कनीनिका जो कहते हैं सूख सा जाता है, और आई बॉल नेत्र गोलक जो होता है धुंधला व मटमैला सा दिखाई देता है। उप तारा महीन छिद्रों से युक्त दिखता है तथा कॉर्निया के पीछे तिकोनी सी आकृति नजर आती है। आंखों से सफ़ेद रंग का स्राव होने लगता है। जब यह रोग पुराना होने लगता है तो आंखों के बाल कड़े होने लगते हैं। आंखों की पलकों पर छोटी छोटी फुंसियाँ व सूजन दिखाई देने लगती है। इसके साथ ही दर्द भी महसूस होने लगता है। ज़्यादा लापरवाही करने पर आँख की पुतली अपारदर्शिता हो जाती है और कभी कभी क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। रतौंधी की इस स्थिति के शिकार ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं। अक्सर ऐसी स्थिति के दौरान रोगी अंधेपन का शिकार हो जाता है। यह इलाज की जटिल अवस्था होती है और ऐसी स्थिति में औषधियों से इलाज भी बेअसर साबित हो जाता है। रतौंधी का कारण क्या है? नेत्रों के भीतरी भाग में स्थित रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ कोशिकाएं छड़ की आकार की और शंकु के आकार की होती है, ये जो आंख के अंदर है इसके अंदर होती है। इन कोशिकाओं में जो रंग कण होते हैं वे प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन छड़ कोशिकाओं में रोडोप्सिन नामक एक पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि एक संयुग्मी प्रोटीन होता है। यह पदार्थ ऑप्सिन नामक प्रोटीन और रेटिनल नामक प्रोटीन से तत्वों से मिलकर बना होता है। अधिक समय तक प्रकाश रहने पर रोडोप्सिन का विघटन रंगहीन पदार्थ रेटिनल और ऑप्सिन के रूप में हो जाता है, लेकिन प्रकाश से अंधेरे में जाने पर रोडोप्सिन का तुरंत निर्माण हो जाता है और एक क्षण से भी कम समय में सृष्टि सामान्य हो जाती है। उक्त प्रक्रिया में शामिल रेटिनल विटामिन ए का ही एक प्रकार है, अतः विटामिन ए की कमी से उजाले से अंधेरे में आने पर कम प्रकाश में रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता है और दिखाई भी नहीं देता है। इसी स्थिति को रतौंधी कहते हैं। रोग के कारण क्या है? आधुनिक विशेषज्ञों के मुताबिक रतौंधी की वजह विटामिन ए की कमी का होना होता है। अक्सर कुपोषण के शिकार लोग उसके चपेट में आ जाते हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों के अनुसार कफ दोष के कारण रतौंधी रोग का जन्म होता है। इनका कहना है कि दिन के समय सूर्य के असर से आंखों पर जमा हुआ कफ साफ दिखाई देता है, जिससे रोगों को दिन के वक्त दिखाई देने लगता है, मगर रात को कफ फिर से आंख की पुतली में आ जाता है और रोगी को दिखाई देना बंद हो जाता है। हालांकि आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों के मुताबिक रतौंधी रोग के दो प्रकार होते हैं, एक तो वह जिसमें कफ का क्षय होने लगता है और दूसरा वह जिसमें कफ की वृद्धि होने लगता है। पहले प्रकार के रतौंधी रोग की वजह कुपोषण माना जाता है। सामान्य तौर से कुपोषण से हुआ रतौंधी रोग ही देखने में आता है। चिकित्सा क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। आजकल एलोपैथिक पद्धति में डॉक्टर अक्सर इस रोग में रोगी को विटामिन ए की भरपूर मात्रा में लेने की सलाह देते हैं, मगर एलोपैथिक चिकित्सा में उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। लिहाजा आयुर्वेदिक औषधियों से रतौंधी को कंट्रोल करने के काफ़ी अच्छे व उत्साहवर्धक नतीजे देखने को मिलते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं द्वारा इसका सफल इलाज संभव है। चमेली के फूल, नीम का कोमपल यानी मुलायम पत्ते, दोनों हल्दी रसौत को गाय के गोबर के रस में बारीकी पीस कपड़े से छान कर आँखों में लगाने से रतौंधी दूर हो जाती है। सौठ, हड़ल की छाल, कुलत, खोपड़ा, सूखा नारियल जिसे कहते हैं, लाल फिटकरी का फूला, माजुम फल नामक औषधियों 5-5 ग्राम लेकर बारीक पीस लें। अब इसमें 2.5 ग्राम की मात्रा में कपूर, कस्तूरी, अनवेदे मोती को मिलाकर नींबू का रस डालकर 5-7 दिन हरल करें, फिर इसकी गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें। इस गोली को गाय के मूत्र में घिस कर लगाने से रतौंधी रोग दूर हो जाता है। करंज बीज, कमल, केसर, नील कमल, रसौत और गैरिक 5-5 ग्राम लेकर पाउडर बना लीजिएगा। इस पाउडर को गौमूत्र में मिलाकर बत्तियां बनाकर रख लीजिएगा। इसे रोजाना सोते समय पानी में घिसकर आंखों में लगाने से रतौंधी बीमारी दूर हो जाती है। खाने वाली औषधियों में शामिल हैं 50 ग्राम अमलकी, 50 ग्राम मुलेठी, 25 ग्राम बहेरा, 12.5 ग्राम हरी तिक्की, 5 ग्राम पीपल, 5 ग्राम सेंधा नमक और 150 ग्राम शक्कर लेकर बारीकी से पाउडर बनाकर कपड़े में छान लीजिए। इससे 3-5 ग्राम की मात्रा लेकर गाय के घी या शहद के साथ 6-8 हफ्ते तक सेवन करें। ज़रूरत के मुताबिक इस अवधि को 8 हफ्ते से भी ज़्यादा समय तक सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा कुपोषण जन्य या विटामिन ए की कमी से होने वाले रतौंधी रोग में अश्वगंधा रिष्ट, चमनप्रास, शतावरी घृत, शतावरी अवले, अश्वगंधा घृत व अश्वगंधा अवले काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। लाभकारी पत्ते क्या होते हैं? रतौंधी के रोगी को चाहिए कि वह अति मुक्त अरंड, शेफाली, निर्गुंड,
शतावरी के पत्तों की सब्जी देसी घी में अच्छी तरह पकाकर खाएं। बबूल के पत्ते व नीम की जड़ का काढ़ा पीना भी रतौंधी में काफ़ी लाभ पहुंचाता है। यह काढ़ा बनाया जो है बाजार में भी मिल जाता है। आयुर्वेदिक इलाज, रतौंधी की सबसे सस्ती व अच्छी चिकित्सा जो है चौलाई का साग है। चौलाई की सब्जी भैंस के घी में भून कर रोजाना सूर्यास्त के बाद आप जितनी खा सके खाएं, लेकिन इसके साथ रोटी खिचड़ी नहीं खाइएगा। इनका सेवन विश्वास के साथ लंबे समय तक करने से रतौंधी बीमारी दूर हो जाती है। डोंडी के पत्तों को घी में सब्जी बनाकर सेवन कीजिएगा। गोमूत्र में छोटी पीपल घिसकर आँखों में प्रतिदिन अंजन करें।